हेलो फ्रेंड्स, मैं भानु प्रकाश आज एक बार फिर से एडु प्राइड प्राइड विद एक्सलेंस पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रीजनिंग के लिए मैं अक्सर मिलता हूँ यहाँ पे, और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं लेटर सीरीज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके SSC, DSSB और रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम यह है कि अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं, नए व्यूवर्स अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन क्लिक करिए ताकि जो भी हमारे नए अपडेट्स होंगे वो आप तक मिलेंगे सबसे पहले। तो आइए देखते हैं लेटेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस होते क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पे, और क्या क्या पूछा जाता है। तो दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस हम कराते हैं वो सबसे पहले पेन और पेपर लेके बैठिए, सॉल्व आप भी करिए और सॉल्व मैं भी करूँगा, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप वीडियो को रोकिए और इसके बाद पहले क्वेश्चंस को समझिए पीछे जाके, इसके बाद आगे बढ़िए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है लेटर सीरीज, वो कैसा क्वेश्चन लेके आता है और क्या पैटर्न होता है लेटर सीरीज पे, और हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो आइए देखिए, और जब लेटर सीरीज की बात करते हैं बच्चे, तो लेटर सीरीज हमारा तीन डिफरेंट टाइप में बटा हुआ है। पहला टाइप जो लेटर सीरीज का बच्चा बटा हुआ है, वो बटा हुआ है किस पे, अल्फाबेट पे, अल्फाबेट पे। जो दूसरा टाइप लेटर सीरीज का है दोस्तों, वो बटा हुआ है कंटिन्यूअस सीरीज पे। अब कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है, कंटिन्यूअस सीरीज पे वो टाइप हमारा डिस्ट्रीब्यूट है। अब बच्चे अगर इसके बाद मैं बात करूं क्या कि अगर तीसरे टाइप की बात करूं, तो तीसरा टाइप हमारा कैसा होगा, तीसरा टाइप हमारा बना हुआ है कि मिक्स्ड सीरीज पे। थर्ड टाइप जो होगा वो हमारा होगा मिक्स सीरीज पे। मिक्स सीरीज बोले तो क्या होगा, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक जिसमें अल्फाबेट्स भी हो और न्यूमेरिक वैल्यू भी हो। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि अल्फा सीरीज होता क्या है। अल्फा सीरीज ये होता है जिसमें आपका क्वेश्चन होगा ए बी सी, अगला क्या होगा, क्लियर है। कंटिन्यूअस सीरीज आपका वो सीरीज है जहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन होगा कि ए डैश सी सी डैश ई, तो अगला क्या होगा, या फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पे क्या भरा जाएगा, ऐसा कुछ सीरीज हमारे पास यहाँ पे बनने वाला है। और मिक्स सीरीज में क्या होगा, लाइक सी थ्री ई फाइव जी सेवन, तो अगला क्या होगा। तो सीरीज के जो क्वेश्चंस हमारे पास देखने को मिलते हैं दोस्तों, ये अक्सर आपके SSC हो गया, SSC के तीनों एग्जाम अगर हम लेते हैं, CGL होता है, MTS होता है और आपके CHSL होते हैं। रेलवे का पेपर हो गया, रेलवे में तो इसके क्वेश्चंस दो तीन मिलते हैं, ठीक है। हर पेपर में इसके एक एक दो दो, एक एक दो दो क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किस पे, सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन का मेन टॉपिक होगा वो होगा आपका अल्फाबेट्स का। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा बेस्ड क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसको फिर से आपके तक पहुंचा देंगे एक्सप्लेन करके। अब देखिए बात करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन होगा अल्फा का वो कैसा होगा। तो टाइप वन जो है वो है आपका अल्फाबेट्स पे, बच्चा जो टाइप वन होगा वो होगा हमारा अल्फाबेट्स पे। अब अल्फाबेट्स के जो क्वेश्चन होंगे वो कैसा क्वेश्चन होगा, क्या लेके आया होगा और कैसा आंसर वो हमें जल्दी मिलेगा, किस माध्यम से हमें आंसर जल्दी मिलेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का हमारा जो पहला सवाल है, और हम लोग देख रहे हैं अल्फाबेट्स और हमारा टॉपिक है लेटर सीरीज जिसमें फर्स्ट पार्ट है बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। मैं आपको दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच क्वेश्चन सारे टाइप्स के दिखाऊंगा यहाँ पे, कि दो दो तीन तीन क्वेश्चन करेंगे और पता चलेगा कि कैसा हमारा सेशन सॉल्व हो सकता है। आइए देखते हैं। तो जब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बना है, क्वेश्चन बना है कि ए डी जी जे, और यहाँ पे बना है क्वेश्चन मार्क कि क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑप्शंस भी होंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कोई ऑप्शन देने वाला नहीं हूँ। डायरेक्ट पहले एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्या होगा कैसे होगा, इसके बाद ऑप्शंस मैं आपको दूंगा, डोंट वरी, ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये आ रहा है कि ए डी जी
ए डी जी जे और अगला क्या होगा, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। मोस्टली स्टूडेंट क्या लगाते हैं कि ए कितने नंबर पे आता है, भाई मेरे न्यूमेरिक वैल्यू तब तक नहीं लगाना है जब तक हमारा क्वेश्चन न्यूमेरिक वैल्यू लगाने के लिए ना कह दे। न्यूमेरिक वैल्यू जब तक ना कहे लगाने को तब तक न्यूमेरिक वैल्यू आप यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई मेरे नंबर तो हमें याद ही नहीं है ना, नंबर तो 90% लोगों को याद नहीं है। क्यों? तो आइए देखते हैं। तो ए और डी, तो कुछ नहीं करना है, अल्फाबेट्स फिंगर पे काउंट करिए कि ए गिवन है और डी जाना है। ए बी सी डी, कितने का गैप है यहाँ पे, यहाँ पे गैप है 3 का। डी ई एफ जी, ई एफ जी कितने का गैप है यहाँ पे, तो 3 का गैप है। जी एच आई जे कितने का गैप है, 3 का गैप है। तो जे के एल एम, 3 के गैप पे हमारा आंसर क्या होगा, तो बच्चे यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा एम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा एम। तो एम इज अ राइट आंसर। क्लियर यहाँ तक? दूसरी बात बच्चे, अगर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता, ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया हुआ है के, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एल, और तीसरा ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो तीसरे ऑप्शन में रखा गया है एम और चौथे ऑप्शन में रखा गया है एन। अब भाई मेरे एक चीज़ में आपको छोटा सा हिंट दे दूं क्या, कि हमारा जो अल्फाबेट्स का लेटर है वो आगे की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ऑप्शन भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ऑप्शन भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जे के बाद क्या आता है, के एल एम, लेकिन हमें कितना चाहिए था, हमें 3 3 के गैप पे चाहिए था। अब अगर जे का न्यूमेरिक वैल्यू याद है तो सीधा सीधा लगाइए, जे 10 पे है और 10 में कितना प्लस होगा, 3 प्लस होगा, 3 प्लस होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 13। और 13 नंबर पे लेटर कौन सा आता है, 13 पे लेटर आता है हमारा एम, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, एम हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि जेड एस डब्ल्यू ओ टी के क्यू जी, और आगे में यहाँ पे हमारे पास दो फिल इन द ब्लैंक है, दो फिल इन द ब्लैंक है। बच्चे आइए देखते हैं इसका ऑप्शन हमारे पास क्या होगा। जो हमारा पहला ऑप्शन है हमारे पास वो है एन के साथ सी का, दूसरा ऑप्शन हमारे पास बना हुआ है एन के साथ डी का, तीसरा ऑप्शन बना हुआ है ओ के साथ सी का, और हमारे पास चौथा ऑप्शन बना हुआ है कौन सा, ओ के साथ डी का। कुछ नहीं करना है, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात, लेटर हमारा उल्टा जा रहा है क्योंकि बड़े लेटर से शुरू हुआ है और छोटे लेटर की तरफ हमें जाना है, तो बड़े से छोटे लेटर की तरफ जब आप जाते हो दोस्त तो माइनस में जाना होता है। तो सबसे पहले क्या करें, यह जी पे आइए, जी जी के बाद क्यू है या के, क्लियर है ना। तो आइए यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा, तो देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जी के बाद क्यू का, तो जी, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जी के बाद के भी है और जी के बाद क्यू भी है, तो देखिए जी और क्यू गैप थोड़ा ज्यादा के दिख गया, तो जी एच आई जे के, एच आई जे के दोस्तों, यहाँ पे जी और के बीच का गैप, तो जी एच आई जे के मेरे लिए 4 का है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जी और के बीच में लेटर कितने हैं, तो 3, जी एच आई जे 3, तो कुछ लोग 3 का गैप लेते हैं। तो बच्चे गैप आप जैसे लेते थे गैप वैसे ही लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने गैप क्या लिया आपने क्या लिया, बस काउंटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। तो मैंने लिया जी एच आई जे के, यानी मेरे लिए गैप कितने का आया, रिवर्स में +4 का आया, रिवर्स हम लोग जा रहे हैं, रिवर्स में +4 का आया। अब ऑब्वियस सी बात है, एक जंप हो रहा है तो जंप होगा के एल एम एन ओ, तो के एल एम एन ओ, यानी गैप कितने का आया, अगेन 4 का गैप आया। ओ पी क्यू आर एस, अगेन गैप कितने का आया, 4 का आया। तो बच्चा अगर यहाँ पे ये लेते हैं तो यहाँ पे ऐसा कौन सा लेटर रखें कि 4 के गैप पे जी मिलेगा। अब देखिए एक चीज कंफर्म हो गया, सी या डी, तो अगर यहाँ पे सी लेते हैं, अगर यहाँ पे सी लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सी लेते हो तो सी डी ई एफ जी मिल रहा है ना, अगर आप यहाँ पे डी लेते हो तो डी ई एफ जी एच आएगा, लेकिन यहाँ पे जी लाना था तो डी तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन हमारा किससे शुरू होगा,
ऑप्शन हमारा एंड होगा किससे? सी से। अब सी से एंड होने वाले कितने? दो ऑप्शन ऐसे थे जो हट गए क्योंकि वो सी से नहीं डी से हो रहे थे। अब यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो गया, या तो हमारा आंसर एन सी होगा या फिर हमारा आंसर ओ सी होगा। अब कुछ नहीं करना, क्यू 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 आर एस टी, क्यू आर एस टी कितने का? थ्री का गैप है। टी यू वी डब्ल्यू थ्री का गैप है, यानी यहाँ थ्री थ्री का आ रहा है, तो यहाँ कौन सा लेटर होगा कि उसके थ्री के गैप पे हमारा आंसर परफेक्ट बनेगा? तो एन ओ पी क्यू, एन अगर रखते हैं तो एन ओ पी क्यू, तो करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? एन सी, एन सी इज द राइट आंसर, यानी यहाँ पे हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्लियर है? अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सीरीज चल रहा था, जैसे क्वेश्चन देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन देखा जी और क्यू, तो जी और क्यू के बीच में गैप ज्यादा का है, हमने लिया सीधा सीधा जी का के से, क्यों? क्योंकि जी और के बीच में गैप कम का है, इसीलिए हमने वो चीज लिया था क्योंकि वहां पे गैप कम का है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अब मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे गिवन है क्या? ए बी पी कॉमा सी डी क्यू ई एफ आर, अगला क्या होगा? अगला क्या होगा दोस्तों? ये 2015 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2015 का है, और इसके जो ऑप्शंस बने होंगे वो ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आपका जी एच एस, दूसरा ऑप्शन है जी एस टी, तीसरा ऑप्शन है एच जी एस, और चौथा ऑप्शन है जी एच आर। ये हमारे चार ऑप्शन है, अब इनमें से आंसर क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, तो अगला क्या होगा? जी एच। इतना तो कंफर्म हो गया, हमारा आंसर जी और एच होगा, यानी ये ऑप्शन हमारा हट गया, जी और एच होगा, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ये ऑप्शन को हमने एलिमिनेट करा दिया। अब देखिए अब क्या है यहाँ पे, तो पी क्यू आर एस, सीधा सीधा हमारा आंसर क्या होगा? जी एच एस, हमारा आंसर होगा जी एच एस, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे 2015 में पूछा गया था और आंसर होगा जी एच एस। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की, ए बी डी ई एफ एच आई जे के डैश एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पे हमें आंसर फिल करना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए सीधा सीधा क्या, अब हमारे पास पहला जो ऑप्शन है वो है एल एम एन ओ, दूसरा ऑप्शन है एल एम एन ओ पी, तीसरा ऑप्शन है एम एन ओ पी क्यू, और चौथा ऑप्शन है क्यू आर एस टी यू। ये चार ऑप्शन है बच्चे। अब देखिए अगर आपका आंसर कंफर्म है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर क्वेश्चन समझ में आया तो एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, अगर लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, ताकि ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये छोड़ दिया तो फिर इसके बाद वाला नहीं हो पाएगा। और दोस्तों लेटर सीरीज की अगर हम बात करें तो वहां पे डिफिकल्ट क्वेश्चन रेयरली बनते हैं, वहां पे सारे क्वेश्चंस नॉर्मल होते हैं, बस आपके फिंगर टिप्स क्लियर होने चाहिए कि फिंगर टिप्स पे कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके लिए हम आपके सामने बैठे हुए हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन का क्या होगा? पहली बात तो ये होगा कि कितने लेटर, पहले वाले में हमारे पास जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो दो है, फिर अगले वाले में तीन है, फिर उसके अगले वाले में कितने चार हैं, फिर कितने पांच लेटर वाले, यानी एक चीज क्लियर हो गया, हमारा आंसर जो वो कितना लेटर बन के लगेगा? पांच लेटर बन के आएगा। ए बी सी यहां से गायब है, सी मिसिंग है, डी ई एफ जी मिसिंग है, एच आई जे के एल मिसिंग होगा, तो एम एन ओ पी क्यू क्यू मिसिंग होगा, तो फिर आर हटा के आर लेके एस टी यू वी, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे, वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज एम एन ओ पी क्यू, के बाद एक गैप लिया एल, एल के बाद एम,
एफ के बाद जी के बाद एच, बी के बाद सी, सी के बाद डी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा एम एन ओ पी क्यू। और क्यों? क्योंकि दो का, तीन का, चार का, तो अगला पांच का बनेगा, और पांच वाले में ये तो आएगा नहीं। अच्छा, एक एक लेटर छोड़ के आगे बढ़ रहा है, तो जब एक एक लेटर छोड़ के आगे बढ़ेगा तो एम से शुरू होगा, और एम से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज एम एन ओ पी क्यू। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि पहला तो अल्फाबेट्स है, दूसरा है आपका कंटिन्यूअस सीरीज, और तीसरा है आपका मिक्स सीरीज। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग कि कंटिन्यूअस सीरीज की। ठीक है, अब देखिए, जब कंटिन्यूअस सीरीज की हम बात करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास टाइप टू होगा वो होगा कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग यहाँ पे देख चुके थे, अब मैं आपको यहीं से स्टार्ट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो कंटिन्यूअस पैटर्न बनेगा लेटर सीरीज का, वो क्या बनेगा? पहला बनेगा आपका ए बी सी ए, इसके बाद आपका होगा डैश, फिर होगा बी सी डबल ए बी, फिर होगा डैश सी ए डैश डबल बी सी डैश ए। क्लियर है? और इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन हमारा होगा क्या, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन होगा डबल सी डबल ए, दूसरा ऑप्शन होगा डबल बी डबल ए, तीसरा ऑप्शन होगा ए बी ए सी, और चौथा ऑप्शन होगा हमारे पास कि ए डबल बी ए, ए डबल बी ए। अब देखिए, हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पे सॉल्व करना है ए बी सी ए के बाद। अब देखिए ए बी सी ए, अब यहाँ पे हमारा पैटर्न कैसे बनेगा? पैटर्न हमारे यहाँ पे बनेगा कि टोटल कितने, वन टू, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन है। टोटल हमारे पास कितने हैं? टोटल हमारे पास 19 है। तो बच्चा जब 19 होगा तो कितने कितने के पार्ट में बटेगा? अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर ये जैसे मान लीजिए 16 होता तो 4-4 पे बट जाता, 15 होता तो 3-5 का सीरीज बनता, अब 19 है। तो देखिए ए बी सी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट ये कह के डाउट्स लेके आते हैं कि सर वो ए बी बी वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो अभी हम लोग वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ए बी बी वाला क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ए बी बी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसे आप लोग लेटर सीरीज में कंटिन्यूअस पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो ए बी सी की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे यहाँ पे क्या है कि ए बी सी आपका एक पैटर्न हो गया। ठीक है, दूसरे में बात करूं तो यहां पे बन सकता है क्या कि डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, फिर से एक अलग हटा दिया डबल ए। अब देखिए यहां पे क्या है, पहले आया खाली ए बी सी, दूसरे में आया डबल ए बी सी, ध्यान दीजिएगा डबल ए बी सी, तीसरे में आया डबल ए डबल बी सी। क्लियर है? तीसरे में आया डबल ए डबल बी सी। क्लियर है? अब देखिए यहां पे आया डबल ए डबल बी सी। अब देखिए यहां पे हमारे पास डबल सी डबल ए डबल बी, एक मिनट, यहां पे हो जाएगा आपका डबल ए डबल बी सी, अब यहां पे डबल ए, फिर आ जाएगा डबल बी, फिर डबल सी, और फिर लास्ट में बच गया आपका ए का सीरीज। तो पहले ए बी सी एक एक लेटर बन के बना, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ देखिएगा, फिर ए दो बार रिपीट हो गया, फिर क्या हुआ, ए दो बार बी दो बार, फिर ए दो बार फिर बी दो बार और फिर सी दो बार, इकलौता बच गया ए। अगर आगे का सीरीज होता हमारे पास तो क्या होता, टू टाइम्स ए टू टाइम्स बी टू टाइम्स सी और टू टाइम्स डी और फिर ए आता, तो डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी ए।
तो ये सीरीज आपका वही बन रहा था कि ए बी सी नॉर्मल, ए बी सी में ए डबल हो गया, फिर ए बी डबल बी बी डबल, फिर ए बी डबल बी बी डबल और सी बी डबल हो गया, और लास्ट में ए का ए बच गया। दोस्तों क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कि क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा हमारे पास, वो क्वेश्चन कैसा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं आपके सामने पूछने जा रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 2014 CHSL में। 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2014 का क्वेश्चन है CHSL का। अब आइए देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करेंगे डैश सी बी डैश सी ए डैश बी ए सी बी डैश सी ए डैश बी ए सी डैश डी। ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे क्या है कि पहला जो ऑप्शन बना होगा, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन बना है वो बना है कि बी ए डी 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 बी। इसके बाद बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 2 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि बी 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 और डी डी डी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है ए डबल डी, 4 टाइम D हो गया आपका और 1 बार B हो गया, और चौथा ऑप्शन बना हुआ है ए डबल डी फिर BBB। ये 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। अब देखिए सबसे पहला काम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो 20 है तो एक चीज़ कंफर्म हो गया कि हमारा जो सीरीज है वो 20 यानी कि 4 5 पे डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे हम लोग डिवाइड कर देंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्त, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो सी के बाद क्या है, सी के बाद ए है, यहाँ पे ए के बाद सी है। तो देखिए ए सी, अब देखिए सी बी यहाँ पे है और सी बी यहाँ पे है, और सी बी के बाद एक गैप छोड़ के सी ए है, तो सी बी के बाद एक गैप छोड़ के सी ए है, तो ए के पहले सी। अब देखिए यहाँ पे ए सी, अब देखिए ए सी यहाँ पे भी है और ए सी यहाँ पे भी है। तो देखिए अगर मैं कहूँ यहाँ पे, अब देखिए यहाँ लास्ट में ना डी है, तो यहाँ पे क्या ए सी बी और ये हो गया आपका डी, ए सी बी डी। अब बच्चा ए सी बी डी जब हम बिठाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये 2 ऑप्शन आपके हट गए, ठीक है। अच्छा ए के बाद डी बैठेगा, ये भी कंफर्म है, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी, अब देखिए ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी का पैटर्न चारों बॉक्स में हमारा बनने वाला है। ध्यान दीजिएगा ए बी सी डी का पैटर्न चारों बॉक्स में बनने वाला है, यानी यहाँ पे भी ए बी सी डी बना, क्लियर है। तो सी ए डी बी, अब देखिए ए सी बी, अब देखिए यहाँ पे तीसरे में क्या, अगर डी ला देते हैं तो ए सी बी डी बन जाएगा। अच्छा अब देखिए 1 2 3 4 ए बी सी डी, क्लियर है ना। अब देखिए ए सी बी डी, ए सी बी डी, यानी यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए ए ए सारा डी और लास्ट में बी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन का कॉम्बिनेशन बनेगा ए सारा डी और लास्ट में बी, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं जहाँ पे हमारा डेटा पैटर्न के कंटिन्यूअस सीरीज पे गिवन होगा। अब दोस्त अगर मैं यहां पे बात करूं आपके सामने क्या कि टाइप थर्ड की बात करूं मैं, टाइप थर्ड हमारा क्या होगा, टाइप थर्ड होगा मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज को क्या आप अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के नाम से भी आप मिक्स सीरीज को जान सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के नाम से भी जान सकते हैं। दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का इतना धांसू क्वेश्चन मैं आपके सामने देने वाला हूं कि वो क्वेश्चन एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिसमें 2 बार CGL में पूछा गया है और 1 बार पूछा गया है बिहार SSC के CGL में। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का
जो हमारे पास पैटर्न बन के आने वाला है वो क्या बन के आने वाला है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पैटर्न। पहला जो क्वेश्चन, अब देखिए ये है हमारा मिक्स सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यानी यहाँ पे अल्फा भी बनेगा और अल्फा के साथ साथ न्यूमेरिक भी गिवन होगा। अपने को पैटर्न फॉलो कराना है अल्फा का या न्यूमेरिक का, या दोनों को कंबाइंड करके आंसर आना चाहिए, और आंसर वो भी विद इन अ सेकेंड आने चाहिए चुटकी बजा के। तो आइए देखते हैं हम लोग कि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो कैसे सॉल्व होगा, लेकिन उससे पहले देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, और ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो भाई एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार पूछा गया है, और जिसमें दो बार सीजीएल में पूछा गया है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन है C3 E5 G7 I9। अब आपके पास दो फिल इन द ब्लैंक है दोस्तों। जब हम क्वेश्चन का नेचर देखे तो ये तो वही हो गया कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, देखने में लगा कि जब तीन तीन बार पेपर में पूछा गया था तो यानी जरूर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होगा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, देखने से तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। अच्छा ये पूछा कब कब गया था, ये पूछा गया था आपका सीजीएल 2013 में, इसके बाद पूछा गया क्या 2015 में, और इसके बाद पूछा गया था 2011 के सीजीएल में, 11 के पैटर्न पे बना था, 11 10 11 के पैटर्न पे बना था ये, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा दो दो तीन तीन बार पूछा गया है, जिसमें दो बार हमारा सीजीएल में पूछा गया है। अब देखिए सी 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 के बाद ई, ई के बाद जी, और जी के बाद आई, आई के बाद अगला क्या होगा, तो हमारे पास जो ऑप्शंस बने होंगे वो ऑप्शंस क्या बने होंगे, ऑप्शन में नंबर वन जो बना है वो बना है M18 और K14, टू ऑप्शन है K11। अब देखिए K14 तो बनेगा नहीं क्योंकि K का न्यूमेरिक वैल्यू तो 11 होता है, ठीक है K11, और यहाँ पे बना होगा आपका M का 13 से। थर्ड ऑप्शन हमारे पास बना हुआ है, तीसरा ऑप्शन है X24 और M21, चौथा ऑप्शन बना है ओ का 15 से 15 से, और एक्स का 24 से। तो दोस्तों यहाँ पे सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, पहली बात तो के और एम का कॉम्बिनेशन बनेगा, और जब के और एम का कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये ऑप्शन हट गए, ये ऑप्शन हट गए, और ये ऑप्शन हट गए। तो के होता है भाई मेरे, के होता है 11 नंबर पर, और ये एम होता है 13 पे, तो 11 13 का कॉम्बिनेशन हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे लेटर सीरीज का पहला क्वेश्चन था जिसमें हम लोग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देख रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप नए व्यूवर जुड़ रहे हैं, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि जो भी हमारे नए अपडेट्स हो वो आप तक सबसे पहले मिलेंगे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की जब मैं बात करूँ तो 8 में होगा P3C R5F T8I V12L, अगला क्या होगा, अगला क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, जब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2015 में, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा PC3, तो देखिए PQR ST UV WX, यानी हमारा आंसर किससे शुरू होगा, X से शुरू होगा। 3 और 2 5 5 और 3 8, 8 और 3 11, लेकिन 4 ऐड करेंगे तो 12। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12 प्लस 5 = 17, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका X17। अब X17 अगर ऑप्शन बना होता शायद, तो ऑप्शन पे हम लोग देखते X17। अब देखिए P, अब C D E E F G C D E F, तीन बार में F आया, F जी एच आई आई जे के एल एल एम एन ओ, यानी यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ओ, X X17O हमारा राइट आंसर होगा, तो X17O इज अ राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन 15 में पूछा गया था। अब ये लेटर सीरीज का जो क्वेश्चन है वो मेनली क्या शो कर रहा है, मेनली ये शो कर रहा है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन के पैटर्न के सॉल्व करने का तरीका अगर आपके पास है तो क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड आपका सॉल्व होगा चुटकी बजा के, क्लियर है। अब दोस्तों इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, क्या एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन वन है T
एन के ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एच का, दूसरा ऑप्शन है आई का, तीसरा ऑप्शन है जी का और चौथा ऑप्शन है एफ का। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 10+2 2017 प्रीवियस ईयर में। बच्चे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और मैं आपको जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे कराऊंगा उसमें से 90% क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए होंगे। तो दोस्तों टी क्यू एन के, तो के एल एम एन, के एल एम एन, थ्री के गैप पे एन आई, एन ओ पी क्यू, क्यू आर एस टी। तो के से पहले के 11 पे, 11 में से 3 माइनस किया तो 8, 8वें नंबर पे क्या आता है, एच आता है। तो जब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एच होगा। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस को और देखेंगे हम लोग आगे। तो ये हमारा बेसिक पैटर्न था जहाँ से एक चीज़ हमारा क्लियर हुआ, क्या कि क्वेश्चंस कैसा बन सकता है। क्लियर है ना, क्वेश्चन कैसा बन सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 1। अब जैसे क्वेश्चन नंबर में 2 की बात करूँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी हम देखेंगे वो 2018 में पूछा गया था CHSL में। और ये बना है आपका कि बी ई जी डी जी आई एफ आई के एच के एम। अगला क्या होगा दोस्त, अगला क्या होगा, अगले में हमारे पास जो पहला ऑप्शन बना हुआ है वो बना हुआ है कि जे एन पी, दूसरा ऑप्शन बना है एन एम ओ, तीसरा ऑप्शन बना है जे एम ओ, चौथा ऑप्शन बना है के एल ओ। ये सारे ऑप्शंस बने हुए हैं दोस्तों। अब देखिए एक चीज क्या, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो सकता है, तो बी सी डी, सी डी डी ई एफ जी एच, जी एच आई जे, यानी हमारा आंसर किससे शुरू होना चाहिए, जे से, दो ऑप्शन खत्म, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यानी हमारा आंसर जे और एम से होना चाहिए और जे और एम से होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, जी एच आई जे के एल एम। अब एम के बाद क्या है, एन ओ, तो जे एम ओ इज द राइट आंसर, JMO इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो 2018 में पूछा गया था +2 वाले एग्जाम में। क्लियर है दोस्तों। तो आइए आगे के जो भी क्वेश्चन है उसको देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, और आगे के जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा उसके लिए हमारे साथ बने रहें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि हमारे जो भी नए अपडेट्स होंगे वो आप तक मिलेंगे सबसे पहले। तो आइए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले सेशन में, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।